नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपने जो क्लास के अंदर बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर चैप्टर के अंदर कॉपर लॉस, आयरन लॉस, यांत्रिक लॉस और उसके साथ साथ में डीसी जनरेटर की दक्षता की, यानी कि एग्जाम टाइम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं और उसके साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसका क्या है, वो भी हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं लॉस या हानिया। ये जो लॉस या फिर हानिया है ये है क्या? तो हम देखते हैं कि आपका जो जनरेटर होता है वो जनरेटर क्या करता है कि आपकी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हमें बदल कर देता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने देखा था, तब हमने क्या किया देखा था कि आपकी जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग जो है ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। यानी कि आपकी यहाँ पर कोई ऊर्जा है और उस ऊर्जा को आप क्या कर रहे हो, दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि यहाँ से आप जो है जनरेटर को घुमा रहे हो। ये आपका जो जनरेटर है इस जनरेटर को आप क्या कर रहे हो, यहाँ से घुमा रहे हो इधर वाली साइड में कोई आपके जो है यांत्रिक लगा के शक्ति, और उसके बाद में यहाँ आपको जो है आउटपुट में क्या मिल रही है, तो आउटपुट में यहाँ से एक वैद्युतिक शक्ति के रूप में यहाँ पर मिल रही है। यानी कि क्या हो रहा है, तो यांत्रिक से वैद्युतिक शक्ति के अंदर कन्वर्ट कर रहा है डीसी जनरेटर। लेकिन इस जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ना, उस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो बोलता है कि ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, बदलता है, लेकिन पूरी की पूरी ऊर्जा जो होती है वो आपकी वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती। यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो पूरी की पूरी वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाती। जैसे हम बात करते हैं कि हमने इसको 100% जो है यहाँ पर सप्लाई दी, लेकिन 100% यहाँ से आपको यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद में हम क्या बोलते हैं कि आपकी 85% है वो क्या होती है, डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी यानी कि दक्षता होती है। तो 85% दक्षता होती है, यानी कि ये जो 15% हुआ है, ये बीच में जो 15% हुआ है ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है, बीच में कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो उसी लॉस की बात कर रहे हैं अपने कि ये लॉस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉस क्या होता है। तो जब हम लोग यांत्रिक शक्ति से विद्युतिक शक्ति में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जनरेटर अपना जो होता है, या फिर अपने मोटर की भी बात करें तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो मोटर जो होती है वो मोटर भी हम देखते हैं कि गर्म हो जाती है। तो वो गर्म किस कारण से होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऊर्जा का जो व्यय है वो आपका ऊष्मा यानी कि ताप के रूप में होने लग जाता है। ऊष्मा या ताप के रूप में जब वो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है तो 15% का लॉस होके हमें पूरी की पूरी जो एफिशिएंसी मिलती है लास्ट में वो हमें 85% मिलती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये लॉसेज जो है कितने प्रकार के होते हैं आपके डीसी जनरेटर में। यहां से अपने बात करते हैं कि आपका जो डीसी जनरेटर की बात आएगी तो आपके जो लॉसेज होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। लॉसेज कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस या फिर ताम्र हानि। दूसरा जो होगा वो दूसरा क्या होगा, आयरन लॉस। आयरन लॉस या फिर लोहा हानि। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, यांत्रिक लॉस। यानी कि मैकेनिकल लॉस। ये 3 तरीके के जो लॉसेज होते हैं वो आपके डीसी जनरेटर में पाए जाते हैं, यानी कि आपका कॉपर लॉस भी होता है, आयरन लॉस भी होता है और यांत्रिक लॉस भी होता है। अब देखते हैं कि कॉपर लॉस, आयरन लॉस और यांत्रिक लॉस एक एक को उठाएंगे और उसको जो है हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो आपका जो कॉपर लॉस होता है
जहां जहां पर, जहां जहां पर आपके डीसी जनरेटर में कॉपर लगा होता है, उस सभी जगहों पर क्या होता है, ये कॉपर लॉस होता है। चीज समझ में आ गई। अब कौन कौन सी जगहों पे लगा होता है, तो हम देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में कॉपर लगा होता है, उसके साथ साथ में शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग में भी कॉपर लगा होता है, उसके बाद में सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग में भी कॉपर लगा होता है, उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, या फिर अपने बात करेंगे इंटरपोल वाइंडिंग की, तो इन सभी जगहों पर आपका जो है हम देखते हैं कि आपका कॉपर लगा होता है, यानी कि फील्ड के अंदर आपका आर्मेचर में भी कॉपर की वाइंडिंग की होती है, फील्ड के अंदर यानी कि शंट फील्ड के अंदर भी कॉपर की वाइंडिंग होती है, अगर सीरीज फील्ड की बात आएगी तो भी अपने कॉपर की तार यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के रूप में भी कॉपर की तार जो है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, या फिर इंटरपोल के रूप में भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। अब देखिए कि आर्मेचर जो है वो, आर्मेचर की जब भी बात आएगी तो हमारा जो आर्मेचर होता है उसके अंदर जो लॉसेज होते हैं वो शंट फील्ड में जो लॉसेज होते हैं, वो सीरीज फील्ड में जो लॉसेज होते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग या इंटरपोल वाइंडिंग के जो सारे के सारे जो लॉसेज होंगे उन सभी को हम लोग कॉपर लॉस के रूप में व्यक्त करते हैं। और हम बोल सकते हैं कि जो कॉपर लॉस होते हैं वो वेरिएबल लॉस होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं आगे अभी बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देख लीजिए कि आपके जो कॉपर लॉस होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो आई स्क्वायर आर के रूप में होते हैं, आई स्क्वायर आर के रूप में होते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि कुछ जो आपकी ऊर्जा है वो किस रूप में कन्वर्ट होती है, ऊष्मा के रूप में यानी कि ताप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने जो है H बराबर हीट का फॉर्मूला क्या किया हुआ है, आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी, ये जो फॉर्मूला है ये हमने किया हुआ है, यानी कि ऊष्मा कितने पैदा होगी तो पावर इंटू समय, ऊष्मा की बात आ रही है यानी कि यहां पर पावर कितनी हो रही है, उसके साथ में कितने टाइम तक अगर करंट बहेगी ये अगर हमें पता लग जाएगा तो उसके बाद में इसके अंदर कितनी जो है ऊष्मा पैदा हो रही है वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद में शंट फील्ड की अगर बात आएगी तो यहां पर आर्मेचर का करंट है, शंट फील्ड की बात आएगी तो यहां पर एस एच आ जाएगा, आर एस एच आ जाएगा, अगर सीरीज फील्ड की बात आएगी कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात आएगी तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तो आई ए आ जाएगा, यहां पर भी हम आई ए बोल सकते हैं तरीके से देखे तो। इंटरपोल वाइंडिंग भी आपकी क्या होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। अब इस तरीके से अगर देखे हैं तो हमारा जो कॉपर लॉस होता है वो आई स्क्वेयर आर के रूप में होता है। अपने को ये याद नहीं रखना है एस एच या फिर जो है आई ए आर ए, जो ये हमें याद नहीं रखना, क्योंकि ये जो है ये अगर शंट फील्ड की बात आएगी तो एस एच लग जाएगा, अगर सीरीज फील्ड की बात आएगी तो एस सी लग जाएगा, आर्मेचर की बात आएगी तो ए लग जाएगा। लेकिन हमें क्या याद रखना है, मोटे तौर पर याद रखने की कोशिश कीजिए कि हमें याद रखना है कि आई स्क्वेयर आर के रूप में आपके कॉपर लॉस होते हैं, इतना याद रखना है। अब आर्मेचर के अंदर बात आएगी तो आपके जो आर्मेचर में जो कॉपर लॉस होंगे वो वेरिएबल लॉस होते हैं, मैंने अभी बताया ना वेरिएबल लॉस होते हैं, क्यों होते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका आई ए जो है, आई ए जो है वो सीरीज, जब जनरेटर की बात आ रही थी तो वहां पर लोड के ऊपर निर्भर कर रहा था, क्योंकि वहां पर क्या था फॉर्मूला, यही था आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट बराबर
सीरीज का करंट, यही था। तो यहां पर क्या है कि जैसे जैसे लोड बदलेगा तो लोड के साथ साथ आपके कॉपर लॉस जो होंगे वो कॉपर लॉस भी बदलेंगे, यानी कि अगर लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, लोड घटेगा तो कॉपर लॉस घटेगा। इससे मतलब कह सकते हैं कि आर्मेचर जो वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेज होंगे वो आपके वेरिएबल लॉस होते हैं, परिवर्ती लॉस होते हैं, जो है स्थिर लॉसेज नहीं होते हैं, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद में सीरीज फील्ड की बात आएगी, तो सीरीज फील्ड में जो होते हैं वो भी आपके वेरिएबल लॉस होते हैं, क्योंकि सीरीज फील्ड का जो करंट होता है, सीरीज फील्ड का करंट होता है वो भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सीरीज फील्ड के जो लॉसेज होंगे वो भी आपके वेरिएबल लॉस होंगे। लेकिन जो शंट फील्ड होता है, जब भी बात आती है शंट या कंपाउंड जनरेटर की, तो वहां पर आपका क्या होता है, IL प्लस ISH, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहां पर जो है आपका कम जो शंट फील्ड है, वो शंट फील्ड जो है अगर वाइंडिंग के अंदर लॉसेज की बात आएगी तो वो वेरिएबल लॉस की कैटेगरी में ना आकर स्थिर लॉस की कैटेगरी में आते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। वैसे कह सकते हैं कि आपके कॉपर लॉस होंगे वो कॉपर लॉस क्या होते हैं, परवर्ती लॉस होते हैं, परवर्ती लॉस होते हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम टाइम में पूछ लिया जाता है कि आपके डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के अंदर कौन से लॉस परिवर्तित होते रहते हैं, तो आपके कॉपर लॉस जो होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, ध्यान रखना। यानी कि कौन से लॉस, तो कॉपर लॉस। समझ में आ गया, ये बात होगी आपकी कॉपर लॉस की। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि आर्मेचर जो लॉस होते हैं, आपके आर्मेचर जो लॉस होते हैं वो आपके कुल जो लॉसेज होते हैं उसका 30 से लेकर 40%, 30 से 40% जो आपके कॉपर लॉस होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि 30 से 40% जो आपके कॉपर लॉस होते हैं। अगर बात आएगी शंट फील्ड की, तो शंट फील्ड के अंदर जो लॉस होते हैं वो 25 से लेकर 30% जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं कॉपर लॉस के रूप में। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, हाइलाइट्स हैं कह सकते हैं कॉपर लॉस की, कि कॉपर लॉस की जब भी बात आएगी तो इनमें से रिलेटेड ही क्वेश्चन है पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं आयरन लॉस की। अब बात करते हैं आयरन लॉस की। तो आपकी जो मशीन होगी, आपकी जो मशीन होगी उस मशीन के अंदर जहां पर भी आयरन यानी कि लोहा, जहां पर भी लोहा लगा होगा उस सभी जगहों पर आयरन लॉस होंगे। चीज समझ में आ गई। अब कहां कहां पर लगे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं मेनली इसको कोर लॉस, कोर लॉस, क्योंकि ये जो ज्यादातर किस में होते हैं, कोर में होते हैं। अब किस तरीके से होते हैं समझने की कोशिश करते हैं, समझिए एक डायग्राम के जरिए। ये आपके क्या है, पोल लगे हुए हैं, और ये आपका क्या है, आर्मेचर है। ये आपके पोल है और ये बीच में आपका आर्मेचर है। तो आर्मेचर, जब ये आर्मेचर आपका घूमेगा, आर्मेचर है जब आपका घूमेगा, तो हमने क्या बात की हुई है कि आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो किसके ऊपर स्थापित की जाती है, कोर के ऊपर स्थापित की जाती है। तो आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग है वो कोर के ऊपर आपकी स्थापित की जाती है। तो जब आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर के साथ साथ आपकी जो कोर है वो कोर भी घूमेगी, जिसके अंदर वाइंडिंग स्थापित की हुई है। तो हमारे जो है फैराडे का जो नियम है वो क्या बोलता है कि जब भी हम किसी चालक को घुमाते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो जो है चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है, छेदन करता है, यानी कि वो फ्लक्स को काटता है, और काटने के बाद में उसमें क्या हो जाता है, एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, तो जब आपकी क्वाइल में एक ईएमएफ पैदा हो रहा है, उसी टाइम आपका जो है कोर में भी एक अलग से ईएमएफ पैदा हो रहा है। उसी को हम लोग जो है उसी ईएमएफ के कारण क्या चलती है, करंट चलती है, जिसको हम लोग एडी करंट
बोलते हैं, वो अभी अपने आगे इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि आयरन लॉस क्या है, तो आपकी जो मशीन होगी उस मशीन की कोर, कोर की जब भी बात आएगी तो उसके अंदर आपके आयरन लॉसेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं आयरन लॉसेज आपके? दो प्रकार के होते हैं, हिस्टेरिसिस वह एडी करंट। भंवर धारा बोल देते हैं, शैथिल्य बोल देते हैं, भंवर धारा शैथिल्य। आयरन लॉस जो आपके हिस्टेरिसिस और एडी करंट है, दो प्रकार के होते हैं। अब हिस्टेरिसिस क्या है और एडी करंट क्या है, वो अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं। ये जो हिस्टेरिसिस है, ये अपने चुंबक चैप्टर के अंदर भी अपने पीछे पढ़ के आए हैं। हिस्टेरिसिस क्या होता है कि किसी पदार्थ को चुंबकित या फिर विचुंबकित, यानी कि एक बार हमने उस कोई पदार्थ है उसको चुंबक बनाया, और चुंबक बनाने के बाद में उससे चुंबक का जो बल है वो हटा लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपकी क्या है, एक कॉइल है जिसके ऊपर आपने क्या दिया, डीसी सप्लाई दी है, और डीसी सप्लाई देने के बाद में ये कॉइल क्या बन गई है, एक चुंबक की तरह काम करती है, मैंने बताया हुआ है। तो जब ये कॉइल एक चुंबक की तरह काम करेगी, तो उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब आप इससे डीसी सप्लाई हटा दोगे, तो डीसी सप्लाई हटाने के बाद में ये केवल और केवल एक तार का टुकड़ा रह जाती है, लेकिन पूरा का पूरा एक तार का टुकड़ा नहीं रहती है भाई। इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में जो है चुंबक के गुण रह जाते हैं, जिसको हमने पिछले जो क्लास के अंदर है अवशिष्ट चुंबकत्व नाम दिया था, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो वो जो अवशिष्ट चुंबकत्व है, जो इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में जो गुण रहे हैं, अब ये बोलता है कि जब हम लोग इस पदार्थ को चुंबकित करते हैं यानी चुंबक बनाते हैं, और जब हम इससे को भी चुंबकित करते हैं यानी इससे जो चुंबक का गुण है वो हटाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी एनर्जी जो वेस्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। हिस्टेरिसिस क्या था, तो किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित या विचुंबकित करना था, ठीक है। और हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, तो हिस्टेरिसिस लॉस है कि किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित या विचुंबकित करने में हमारी जो एनर्जी वेस्ट हुई है, हमारे जो लॉसेज हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। चीज समझ में आ गई, ज्यादा कुछ नहीं है समझना है अपने को, रट्टा फिक्सेशन नहीं करनी है आपको, चीज समझ में आनी चाहिए, समझ में आई हुई चीज 10 दिन ज्यादा याद रहेगी, ध्यान रखना, बाकी आपके यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हिस्टेरिसिस की बात हमने कर ली कि हिस्टेरिसिस है क्या, हिस्टेरिसिस देख लिया कि है क्या, लेकिन अब पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसके सूत्र से रिलेटेड। तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है WH बराबर हिस्टेरिसिस नियता B मैक्सिमम यानी कि फ्लक्स घनत्व की पावर 1.6 F इनटू V, इकाई अपने बोल देते हैं वाट। ये जो है आपका हिस्टेरिसिस लॉस का सूत्र है। हिस्टेरिसिस नियतांक क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि कोई पदार्थ है जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपके चुंबक के जो गुण है उनको ऑब्जर्व करने का गुण क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि जैसे अपने बात करते हैं कि कोई पदार्थ को हमने चुंबक बनाया, वो बहुत ज्यादा चुंबक बन गया, या फिर कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पदार्थ चुंबक बनाते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी मात्रा में चुंबक के गुण आते हैं। अब दोनों कंडीशन, बहुत ज्यादा वाला पदार्थ अगर देखने की कोशिश करते हैं जिसमें लोहा चुंबकीय पदार्थ आते थे अपने, अगर थोड़ी सी मात्रा में अगर बात करते हैं तो जिसके अंदर अपने पैरा चुंबकीय पदार्थ आते हैं। अब ये जो है हम कितना रखते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए कितना रखते हैं, तो हिस्टेरिसिस लॉस को अगर कम रखना है तो ऐसा पदार्थ हमें यूज करना है जिसका जो हिस्टेरिसिस नियतांक है वो क्या हो, कम से कम हो। अगर हिस्टेरिसिस नियतांक कम से कम होगा तो हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो भी कम से कम होगा। बी मैक्सिमम यानी कि
फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या थी? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स घनत्व वी एफ, तो एफ फ्रीक्वेंसी होगी। आप बोलोगे कि सर डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं, लेकिन डीसी जनरेटर भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, और घूमने के कारण उसके अंदर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन के कारण आर्मेचर घूम रहा है, और आर्मेचर में क्या पैदा हो रही है, ईएमएफ पैदा हो रही है। तो आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा हो रही है, उस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं एसी की होती है, वो एसी स्वभाव की होती है। तो वो एसी स्वभाव की है, तो उस एसी स्वभाव की जो ईएमएफ है उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है, और उस फ्रिक्वेंसी का सूत्र क्या रहेगा, तो उस फ्रिक्वेंसी का सूत्र रहेगा एफ बराबर पी एन बटा 120। याद कर लीजिएगा भाई, रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम टाइम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इससे आपको पोल देते हैं, स्पीड दे देते हैं, और पूछ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, स्पीड दे देते हैं, और पूछ लेते हैं कि कितने पोल जो है लगे हुए हैं। ये अल्टरनेटर के अंदर भी रहता है, तो अपने को याद रखना है इसको। तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या रहेगा, अगर अपने बात कर लेते हैं कि डीसी जनरेटर के अंदर जो आपके आर्मेचर में जो पैदा हुई एसी है, उस एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये आ गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर बात करते हैं अपने वी की। वी जो है वोल्टेज नहीं है, वी है वॉल्यूम, यानी कि आयतन, आयतन की बात हो रही है। अब हिस्टेरिसिस जो है इसकी बात होगी। अब देखते हैं हिस्टेरिसिस जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी के सीधा जो है ये क्या है, समानुपात में है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हिस्टेरिसिस है किसके सीधा समानुपात में है, तो फ्रीक्वेंसी के सीधा समानुपात में है। अब दूसरी बात करते हैं एडी करंट की। तो एडी करंट की जब भी बात आएगी तो डब्ल्यू इसका जो है शो करते हैं, और इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, नीटा बी मैक्सिमम की पावर दो एफ की पावर दो और साथ में टी। यहां पर टी क्या लग रहा है, तो जो आपने पत्तियां लेमिनेशन की मोटाई, लेमिनेशन की मोटाई यानी कि टिथनेस जो है, पत्तियों की मोटाई है, वो यहां पर टी के रूप में आ रही है। एडी करंट की बात आएगी तो एडी करंट जैसे यहां पर फ्रीक्वेंसी के ये सीधा समानुपात में है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपात में होती है, फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपात में होती है। अब बोल दिया जाए कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया गया है, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया गया है, तो आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है और एडी करंट लॉस है दोनों के ऊपर क्या जो है फर्क पड़ेगा, तो दोनों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हिस्टेरिसिस जो लॉस है वो तो आपका दोगुना हो जाएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को दोगुना करेंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर अपने बात करेंगे फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया तो एडी करंट क्या होगा, तो ये चार गुना हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम टाइम में रह सकता है। अब इसके बाद में हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस हो रहे हैं, तो इनको कम कैसे कर सकते हैं, दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो है बात करते हैं। तो हिस्टेरिसिस जो लॉस है उसको दूर करने के लिए जो सिलिकॉन, की मात्रा मिलाई जाती है, हिस्टेरिसिस लॉस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसमें मिलाई जाती है, तो कोर में, क्योंकि हमने इसको क्या बोला है, कोर लॉस भी बोला है। तो हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो है सिलिकॉन की मात्रा मिला सकते हैं, और किस में मिला सकते हैं, तो कोर में मिला सकते हैं। अब बात करते हैं एडी करंट लॉस की, एडी करंट लॉस को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो एडी करंट लॉस को अगर कम करना है तो हम क्या करते हैं कि पत्तियों को लेमिनेटेड, पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए आपकी जो कोर के अंदर जो पत्तियां यूज की जाती है, उन पत्तियों को लेमिनेटेड यानी कि पटलित, अगर निम्बी भाषा की बात करेंगे तो
पत्तियों को पटलित किस लिए किया जाता है, कौन से दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? भंवर धारा हानि, हिस्टेरिसिस लॉस, कॉपर लॉस, यांत्रिक लॉस। तो भंवर धारा हानि को दूर करने के लिए जो आपकी पत्तियां हैं उनको लेमिनेटेड यानी कि पटलित किया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम टाइम में आपके रह सकता है, ध्यान रख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड, तो बार बार अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद रहेंगे। एक बार याद करोगे, समझोगे, तो समझने के बाद में ये आपको जो है थोड़े टाइम तक याद रहेंगे। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर से भूल जाओगे, तो रिवाइज करते रहना अपने को। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आ गई समझ में। अब करते हैं अपने यांत्रिक लॉस की बात, कि यांत्रिक लॉस क्या है। अगर यांत्रिक लॉस की बात करेंगे तो आपका जो यांत्रिक लॉस होता है, ये यांत्रिक लॉस भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से होता है। आपका जो जनरेटर होगा उसमें यांत्रिक लॉस भी कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से आपका होगा। अब दोनों कौन कौन से प्रकार है? तो पहला है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। दूसरा है वायु घर्षण। तो पहला कौन सा घर्षण है? तो पहला घर्षण है बियरिंग घर्षण, बियरिंग घर्षण, वायु घर्षण और बियरिंग घर्षण। यांत्रिक लॉस जो है दो तरीके से होता है, लॉसेस, ये किस कारण से होता है? तो घर्षण, पहला लॉस तो कॉपर के अंदर जो आपके तार यूज कर रहे थे उसके कारण हो रहा था, दूसरा आपके जो कोर थी उसके कारण हो रहा था, और तीसरा जो है जो आपका जनरेटर घूमता है, तो घूमने के कारण भी हमने देखा है कि जैसे अगर आप कुछ देर तक अगर हाथ को इस तरीके से रगड़ोगे तो रगड़ने के बाद में अगर आप देखोगे तो आपका हाथ भी गर्म हो जाता है। तो वो जो गर्मी पैदा हो रही है वो आप जब जनरेटर को घुमाते हो, जैसे जनरेटर आपका घूमता है तो घूमेगा तो वो शाफ्ट जो है घूम रही है वो बेयरिंग के साथ में घूम रही है, तो वहां पर भी गर्मी पैदा होती है। तो वहां पर गर्मी पैदा होती है तो वो उसको हम लोग बोल देते हैं बेयरिंग के घर्षण के कारण है, जो लॉसेज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेयरिंग के घर्षण के कारण लॉस। अब दूसरा वायु के घर्षण के कारण, तो आपका जो आर्मेचर है ये तो दोनों जो छोर है वो तो आपके बेयरिंग में कसे हुए हैं, लेकिन बीच का जो आपका आर्मेचर है वो पूरा का पूरा आर्मेचर तो हवा के साथ घर्षण कर रहा है। तो वो हवा के साथ अगर घर्षण कर रहा है तो उस हवा के कारण, घर्षण के कारण भी तो कुछ ना कुछ लॉसेज हो रहे होंगे, तो उन लॉसेज को वायु घर्षण द्वारा बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों लॉस हैं ये भी आपके जनरेटर के अंदर पाए जाते हैं, जो अपने लॉसेस की कैटेगरी के अंदर बात करेंगे। तो ये लॉसेस समझ में आ गए आपको। अब अपने बात करेंगे आगे दक्षता की, कि आपकी जो डीसी जनरेटर है उसकी दक्षता कितनी होती है या किस तरीके से होती है। दक्षता या एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, दक्षता या फिर एफिशिएंसी। तो दक्षता या फिर एफिशिएंसी क्या है? तो आपका जो जनरेटर होता है उसको मैंने अभी बताया कि हम लोग क्या करते हैं, 100% सप्लाई देते हैं, यानी कि 100% जो है बल लगाकर घुमाते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ जो है घूमता है, और घूमने के बाद में हमें 85% जो है जितना हमने बल लगाया था उसका 85% जो है हमें आउटपुट में सप्लाई के रूप में दे देता है। तो ये जो 15% का बीच में जो हो रहा है लॉस, ये जो 15% का बीच में जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग जो है बोलते हैं इस तरीके से दक्षता, कि आपकी जो दक्षता है वो लॉस होने के बाद में हमारे पास आउटपुट में कितनी जो है वैल्यू मिली है हमें जो सप्लाई की। तो दक्षता हम लोग किसको बोलते हैं, नॉर्मल भाषा की बात करें तो नॉर्मल भाषा के अंदर बोलते हैं आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100। दक्षता की जब भी बात आएगी तो
तो सीधी सी भाषा में याद ये रखना है कि आउटपुट बटा इनपुट इनटू शो। लेकिन सबसे पहले अपने ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपका जो जनरेटर होता है उस जनरेटर के अंदर कौन कौन सी सप्लाई होती है। आप क्या होता है आप इस जनरेटर को सप्लाई दे रहे हो और सप्लाई देने के बाद में ये कहां पहुंच गई, आर्मेचर में, और उसके बाद में आर्मेचर से ये कहां पहुंच गई, आउटपुट में आपके पास। ये आपका इनपुट है, आपका आर्मेचर है। अब तीनों में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से। अब आप इनपुट में एक डीसी जनरेटर को क्या देते हो, इनपुट में आप क्या देते हो, यांत्रिक शक्ति देते हो। आप इनपुट में आप यांत्रिक शक्ति देते हो, यानी कि कुछ जो है आप एचपी देते हो। बीएचपी किसको बोलते हैं, तो वो पावर जो हमारे यूज में आ रही है। आईएचपी, एचपी और बीएचपी हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो यांत्रिक शक्ति हम लोग जो जनरेटर को दे रहे हैं, वो जनरेटर के अंदर उसके बाद में पैदा क्या हो रही है, तो एक ईएमएफ पैदा हो रही है और एक करंट चल रही है जिसके कारण, एक ईएमएफ पैदा हो रही है और एक करंट चल रही है जिसके कारण। अब इसके बाद में हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, तो हमें आउटपुट में जो है एक टर्मिनल वोल्टेज मिल रही है और एक टर्मिनल करंट मिल रहा है। एक हमें टर्मिनल वोल्टेज और एक टर्मिनल करंट मिल रहा है। ये जो है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होती है। और जो लॉसेज होते हैं वो यहां पर बीच में होते हैं। किस तरीके से होते हैं, तो आपने इनपुट दी और इनपुट देने के बाद में आप देखिए यहां पर क्या हुआ। तो इनपुट दी आपने, उसको यांत्रिक शक्ति से घुमाया, तो यांत्रिक शक्ति से घुमाने के बाद में सबसे पहले क्या हुआ आपका, तो लोह हानिया। हानिया हुई, यानी कि आपका जो जनरेटर था उस जनरेटर के अंदर जो है लोहे हानिया व कॉपर हानिया। क्योंकि जब जनरेटर ने घुमाया, तो जनरेटर को घुमाया, तो घुमाने के बाद में आपका आर्मेचर घुमा और आर्मेचर घूमने के बाद में आर्मेचर में एक करंट पैदा हुआ। तो आर्मेचर में करंट पैदा हुआ, तो आपका आर्मेचर कॉपर का बना हुआ था, तो वहां पर आपका कॉपर लॉस हो गया। तो आर्मेचर जब घुमा, तो आर्मेचर के साथ साथ में कोर भी घूमी, और कोर भी घूमी, तो कोर घूमने के कारण क्या हो गया आपका, ये लॉस हो गया। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं यहां पर कौन से लॉस होंगे। तो यहां पर आपके जो यांत्रिक लॉस है, यहां पर आपके यांत्रिक जो लॉस है, यहां पर आपके यांत्रिक लॉस भी आ जाते हैं। इस तरीके से आपके जो लॉसेज हैं वो जनरेटर के अंदर होते हैं। और आपको पहले आप सप्लाई देते हो, और सप्लाई देने के बाद में कुछ लॉसेज यहां पर होते हैं, और उसके बाद में आपकी एक ईएमएफ पैदा होती है, और उस ईएमएफ के बाद में आपके कुछ लॉसेज होते हैं, और कुछ लॉसेज के बाद में आपको आउटपुट में इस तरीके से सप्लाई मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो टर्मिनल, आपका जो ईएमएफ होता है और जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है, आपका जो ईएमएफ होता है और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, उन दोनों में अंतर यही होता है कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ से हमेशा कम होता है। और किस कारण से कम होता है, तो बीच में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी जनरेटर की बात करेंगे या फिर अपने बैटरी की भी बात करेंगे, जब तक वो अंदर है तब तक तो हम ईएमएफ बोलते हैं, और जब बाहर टर्मिनल वो पहुंच जाता है तो हम वोल्टेज बोल देते हैं। तो जो अंदर होता है तो ज्यादा होता है, और कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, उसके बाद में बाहर आउटपुट में मिल रहा है तो कम मिलता है। तो आपका ईएमएफ जो होता है वो वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होता है। डाउट क्लियर, समझ में आ गया।
अब इस तरीके से आपकी जो दक्षता है, तो दक्षता के लिए किस तरीके से सूत्र बनेगा तो वो देख लेते हैं। तो दक्षता की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक दक्षता की। यांत्रिक दक्षता, तो यांत्रिक दक्षता की बात कर रहे हैं, वही फॉर्मूला यूज करना है, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट क्या यूज कर रहे हो, हमें यांत्रिक जो है सप्लाई के रूप में पहले आपका आउटपुट क्या है, तो आउटपुट ये है, और इनपुट क्या है, तो इनपुट आपका बीएचपी इंटू 735.5 वाट। ये आपको पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन ही दिया गया था कि मैट्रिक प्रणाली में एक एचपी का मान कितना होता है। तो ये आपका किसका सूत्र हो गया, यांत्रिक दक्षता का। अब बात करते हैं वैद्युतिक दक्षता की। वैद्युतिक दक्षता, तो वैद्युतिक दक्षता की बात हो रही है, तो यहां पर अब आपका आउटपुट क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इंटू टर्मिनल करंट, ये आपका आउटपुट है, और इनपुट क्या है, तो आपका आर्मेचर करंट और आर्मेचर धारा, ये आपका इनपुट है। तो ये आपकी क्या होगी, वैद्युतिक दक्षता होगी। अब देखते हैं, ये तो दोनों दक्षताएं जो है ये तो होगी अपने काल्पनिक बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि अपने इसका यूज कर रहे हैं या इसका यूज कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, एक जनरेटर को यांत्रिक सप्लाई दे रहे हैं, और यांत्रिक सप्लाई देने के बाद में हमें तो सीधा आउटपुट में बाहर सप्लाई मिल रही है, बीच में हमारे पास ये तो कोई काम नहीं, ये तो अंदर होने वाली स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास इन दोनों का जो है एक मिक्सचर होता है, या फिर अपने बोल सकते हैं व्यावसायिक रूप से कौन सी दक्षता यूज की जाती है, तो व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता की बात आ गई, तो व्यावसायिक दक्षता के लिए क्या यूज करेंगे, तो आउटपुट क्या है, टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट बटा इनपुट आपका क्या है, तो बीएचपी इंटू 735.5 वाट। ये जो है आपका व्यावसायिक दक्षता का सूत्र रहता है। तो आपका जो डीसी जनरेटर होता है, उस डीसी जनरेटर के अंदर दक्षता और लॉसेज, मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। दक्षता की बात करेंगे तो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं डीसी जनरेटर को एक यांत्रिक रूप से, यानी कि घुमाकर, तो उसकी जो दक्षता के लिए इनपुट होगा वो क्या होगा, तो बीएचपी इंटू 735.5 वाट होगा। उसके बाद में अंदर हमें क्या मिलेगा, तो अंदर हमें कुछ लॉसेज होंगे, और लॉसेज होने के बाद में आर्मेचर में एक ईएमएफ मिलेगा, और आर्मेचर में एक करंट मिलेगा, उसके बाद में कुछ लॉसेज होंगे, और उसके बाद में आउटपुट के रूप में टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी और टर्मिनल करंट मिलेगा। डाउट क्लियर। अब दक्षता की बात करेंगे, तो दक्षता के लिए सूत्र होता है आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, तो इसके अंदर इंटू 100 लगाना है सभी के। तो हमारे पास यांत्रिक दक्षता की बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले यांत्रिक सप्लाई दी थी, वहां से अगर दक्षता की बात करेंगे कितनी दक्षता आई, तो उसमें हमारा आउटपुट ये था और इनपुट ये था। तो यहां से हम लोग जो है इसकी दक्षता निकालेंगे। अगर बात करेंगे वैद्युतिक दक्षता की, तो वैद्युतिक दक्षता के लिए हमारा इनपुट ये है और आउटपुट ये है, तो यहां पर हमारा इस तरीके से आएगा। अगर बात करेंगे व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, तो व्यावसायिक रूप से दक्षता की बात आएगी, तो हमारे पास आउटपुट ये है जो हम सप्लाई दे रहे हैं, और हमारे पास आउटपुट में आ रहा है, तो हमारे पास आउटपुट वो है और इनपुट ये है। तो इसके लिए हमारा जो व्यावसायिक दक्षता का जो सूत्र होगा ये क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज इंटू टर्मिनल करंट बटे में क्या होगा, बीएचपी इंटू 735.5 वाट इंटू में 100। चीज समझ में आ गई। इतना अपना जो डीसी जनरेटर के अंदर जो दक्षता और लॉसेज का जो है मैटर रहेगा, एग्जाम टाइम में इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो इतने ही आपके रहने वाले हैं। तो हमारा जो डीसी जनरेटर चैप्टर है वो इसी के साथ खत्म हो चुका है, और अब अपने जो बात करने वाले हैं वो आपको जो हमेशा क्लास के अंदर दो क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने के लिए, उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग जो है अभी करने वाले हैं। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में दोनों क्वेश्चन करते हैं अपने।
तो जो आपको पिछली क्लास के अंदर दो क्वेश्चन दिए गए थे वो दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है जो आपको पिछली क्लास के अंदर दिया गया था वो क्या है, तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आपको इसी चैप्टर के अंदर अपने पीछे की जो क्लासे हैं उसमें मैं बता चुका हूँ कि आपका जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर जो आर्मेचर होता है उस आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 1 ओम होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से भी और उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल के लिहाज से भी, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर जब आप टर्मिनल चेक करते हो तो उस टाइम इसकी जरूरत बहुत पड़ती है आपको। अब दूसरी अपने बात करते हैं, जो आपको पिछली क्लास के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया गया था क्या था कि बैटरी में हाइड्रोमीटर क्या काम करता है, यानी कि हाइड्रोमीटर बैटरी में क्या मापता है। तो बैटरी में जो हाइड्रोमीटर है वो क्या मापता है आपका, तो अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व मापता है बैटरी के अंदर, ये भी आ सकता है। और उसके साथ साथ में बैटरी की चार्जिंग स्थिति, बैटरी की चार्जिंग स्थिति, अपने बोल सकते हैं कि बैटरी के अंदर जो हाइड्रोमीटर है अपेक्षित घनत्व भी मापता है और उसके साथ साथ में बैटरी की चार्जिंग स्थिति भी मापता है। ये दोनों जो आंसर है इसी क्वेश्चन के रहेंगे, कोई भी आपके एग्जाम टाइम में आ सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट के साथ में आएगा तो अपेक्षित घनत्व मापने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और अगर चार्जिंग स्थिति की बात आएगी तो चार्जिंग स्थिति भी सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज का जो आपको पहला क्वेश्चन है वो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पीवीसी का पूरा नाम, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी अभी जाकर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपने अब तक जो क्लास है उसको पूरा देखा हुआ है। और उसके साथ साथ में दूसरा आपका क्वेश्चन आज का क्या है, तो प्रोटोन, प्रोटोन की खोज किसने की है, प्रोटोन की खोज किसने की है, तो प्रोटोन की खोज किसने की थी, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है अभी। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके और टाइप कर दीजिए कि प्रोटॉन की खोज जो है किसने की है दोस्तों। और आपको जो है डीसी जो जनरेटर चैप्टर है आपका वो आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है मैंने इसी चैप जो आपका चैनल है इसके ऊपर करवाया हुआ है। अगर आपने पीछे की क्लास से नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के अंदर और आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको पूरी की पूरी क्लासों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप उन क्लासों को भी जो है ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके जो लिहाज से वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लासे। और क्लासे आपको आज की जो है कैसे लगी है ये आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जो है वो चैनल को कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड इसी तरीके की क्लासेस मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।